उम्मीद है कि आप सभी लोग क्लास में आ गए होंगे। कुछ देर सभी लोग कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। जिस तरीके का दृष्टिकोण हम लोग लेके चल रहे हैं, उसमें आपके समय से पहुंचना, उपस्थिति बहुत जरूरी है। समझता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज संडे है और आपकी सूचना के लिए बता दें कि संडे ऑफ रहेगी क्लासेस, लेकिन ये क्लासेस जो आज की क्लास है, एक क्लास एथिक्स की संचालित होगी, दूसरी क्लास नहीं होगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक परीक्षा का ये समय जो तात्कालीन समय है वो प्रारंभिक परीक्षा का है। यदि 20 अप्रैल को उत्तर प्रदेश पीसीएस का मेंस हो रहा होता, कल से शुरू होने वाला था जो 19 अप्रैल है, तो कुछ विद्यार्थियों के लिए मेंस का समय और मई में, जैसा कि अभी यूपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, उस पर अभी कोई फर्दर नोटिस नहीं है, तो मान के चल रहे हैं कि संभावित है, हो सकता है, और ये डिपेंड्स ऑन देश की स्थिति, हेल्थ की स्थिति, तभी जाकर के होगा। तो विद्यार्थी दो तरीके की असुविधाओं में फंसे होंगे। पहली असुविधा यह है कि प्रारंभिक परीक्षा पर ज्यादा फोकस करें या मुख्य परीक्षा। वैसे दृष्टिकोण यह भी रहा है कि पुराने विद्यार्थी जो होते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा पहले दे रहे होते हैं, वो जनरली इस मोड में भी, इस समय भी प्रारंभिक परीक्षा पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा भी एक चुनौती है, उसको पार नहीं करेंगे तो मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे नहीं। हम लोग जो विषय पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं गवर्नेंस की बात करूं तो आप देखें मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए पूरे कंसिस्टेंसी के साथ और पूरे इंटीग्रिटी के साथ और पूरे कोड ऑफ कंडक्ट आपके पास भले ही न मिल पा रहा हो, लेकिन आपको ये कोने में मुख्य परीक्षा की तैयारी का पूरा पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा का अभी कुछ, मैं जैसे बोला कि स्थिति के हिसाब से निर्णय होगा, इसलिए आप प्रारंभिक परीक्षा को रखिए एक कोने में और दूसरे कोने में रखिए मुख्य परीक्षा। समय का विभाजन कर लीजिए, आप कहीं जाते नहीं है, लॉकडाउन में 24 घंटे आपके पास है, आप बेहतर से विभाजन कर किस पे लगी। मैं आपको फिर यहां बताऊंगा, पूरे भारत को खंगाल के देखिए, जब एथिक्स का प्रश्न पत्र सिविल सर्विसेस में आया, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी 2018 की मुख्य परीक्षा में पहली बार पूछा जा चुका है, 20 की मुख्य परीक्षा टल चुकी है, तो यह बात विशेषज्ञ इकाई या विशेषज्ञ की जो टोली है, समझ रखने वाले, उनके हिस्से में ही यह जाता है, क्योंकि विद्यार्थी को ये चीज समझना पहले दर्जे पर मुश्किल है कि एथिक्स में आफ्टर ऑल किस तरह के सवाल होंगे, कैसे केस स्टडीज होंगे, कैसे घटनाएं होंगे, कैसे सिचुएशंस होंगे, आफ्टर ऑल ये है क्या। आज आप सिलेबस को जाकर के 10 मिनट खंगालिएगा तो इसमें आधा सिलेबस आप लोक प्रशासन का, इसका जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर जो तीसरा बिंदु है वो लोक प्रशासन, इसका जो छठवां बिंदु है वह लोक प्रशासन है, इसका जो सातवां बिंदु है वह लोक प्रशासन है, और अगर हम इसके पहले चले जाएं थोड़े से और, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह की जब हम बात करते हैं, आचार संहिता वगैरह की सिविल सर्विसेज में, तो इसका भी घालमेल पूरे जगह पे देख सकते हैं। जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं और फंडामेंटल राइट में हमें राइट मिला, लेकिन ध्यान रखिएगा आर्टिकल 51A है ना, 51 का हमें फंडामेंटल ड्यूटी भी मिली। जिस तरीके से
चौथा प्रश्न पत्र डिजाइन किया गया है वह सिंपली आपकी आदत, आचरण, नैतिकता, जिसको एथिक्स बोल सकते हैं, नैतिकता, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, ये सबके इर्द गिर्द घूमता है। एक मानव में कौन से मूल्य होने चाहिए? सामाजिक मूल्य भी है, मानवीय मूल्य भी है, मनोवैज्ञानिक मूल्य भी है, और जितने भी अन्य तरीके के उपादेयता है सोसाइटी में, उसके साथ संलग्न होने वाले भी मूल्य। हम अगर नैतिक रूप से कोई बात करने चले, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, नैतिकता और मानवीय सहसंबंध, आपसे मैं कहूं कि जो आपकी आदत है, जो आपकी रीति है, जो आपकी नीति है, जिसको आप अभ्यस्त है, जिसके वह और जिसके अभ्यस्त होना है वह, आप कैसे हैं एक मुद्दा है, आपको कैसे होना चाहिए दूसरा मुद्दा है। सिविल सर्विसेज में जब आप जा रहे हैं तो इंडियन हिस्ट्री पता हो, ज्योग्राफी पता हो, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पता हो, तब फर्स्ट पेपर हो, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पता हो। जब सेकंड पेपर में आते हैं तो सेकंड पेपर की पूरी जानकारी है, तब आपको जाकर के थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, हिंदी भी पास करिए, इंग्लिश भी पास करिए, एसे भी लिखिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट के दो पेपर भी, यह आपका सिलेबस डिजाइन है। ये तो सिलेबस लिखा है, इसको किताबों से पढ़िए, जाके प्रश्न का उत्तर लिखिए। लेकिन अगर ये पता करना हो कि आपका इंटरपर्सनल स्किल क्या है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग मास कम्युनिकेशन, आपके आंतरिक जो संदर्भ है, वो जो आप समाज में, घर में, मनोवैज्ञानिक तरीके, सामाजिक तौर पे, मानवीय तरीके से, उपयोगितावाद की दृष्टि से, पारदर्शिता की दृष्टि से, उत्तरदायित्व की दृष्टि से, जवाबदेहिता की दृष्टि से, किसी भी एंगल से जो आप अपनी आदत, अपनी रीत नीति के तहत उपयोग करते चले आए हैं, वह कैसा है, वह क्या है, से अगर काम चलता है, एक सिविल सर्वेंट बनने, एक नैतिक रूप से पुख्ता होने, मजबूत होने को लेकर के, अगर आपकी रीत नीति और आदत, हैबिट, अभ्यास से काम चलता है, तब तो इस सिलेबस में जो लिखा है वो सब आपके हिस्से में चलते हैं, तब तो आप उससे पारंगत। लेकिन लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो होना चाहिए और है नहीं, जैसे कहा जाता है, हम लोग आइडियोलॉजी में बोलते हैं आदर्शात्मक, जैसे बोलते हैं आदर्शात्मक बात क्या है और क्या होना चाहिए, हकीकत में है क्या, क्या व्यक्ति के अंदर सत्य है, क्या व्यक्ति के अंदर सहीपन है, क्या व्यक्ति के अंदर समर्पण है, क्या व्यक्ति के अंदर आचरण है, क्या व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है, क्या व्यक्ति के अंदर नैतिकता है, क्या व्यक्ति के अंदर एक जो सहानुभूति है, मनोभाव उसका बेहतर है, क्या दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति स्नेह, दूसरों के प्रति उसके तमाम प्रक्रियाओं को या तमाम संदर्भों को लेकर एक सकारात्मक सोच रखने का संदर्भ है। यदि यह नहीं है तो यह सिविल सर्विसेज की मांग है। देखिए, जिस तरीके से हमने गलत अभ्यासों से उसे भी पुख्ता कर दिया, गलत काम को गलत अभ्यास से, यानी अभ्यास करते करते गलत काम भी तो पुख्ता हो जाता है, तो अब अगर सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो आचरण शास्त्र का जो पेपर है, जो नैतिकता, ईमानदारी और अभिरुचि से संलग्न प्रश्न पत्र है, अब यहां पर आप नैतिकता को एथिक्स बोल दीजिए, और आप जो इंटीग्रिटी, ईमानदारी है, और अभिरुचि जो एटीट्यूड है, इस तीनों के कोलैबोरेशन से बना हुआ ये जो सिलेबस है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिटर के अंदर
यह झांक कर देखने की एक अवधारणा है कि जो प्रश्न हम पूछेंगे उसमें क्या वह आप जैसे हैं वैसा जवाब देंगे और वो जैसा चाहता है मेल नहीं होगा, तंत्र पता ही नहीं। इसीलिए कहा गया नैतिकता और मानवीय सहसंबंध या अंतर फलक, या उसको दूसरे संदर्भों में कहें तो ह्यूमन इंटरफेस। जब हम दूसरे फॉर्म में आते हैं फिर एटीट्यूड मनोवृत्ति की बात होती है। एक टॉपिक तो हो गया जो पहले बताया ह्यूमन इंटरफेस, दूसरा हो गया एटीट्यूड, और तीसरा सीधा आएगा कि सिविल सेवा अभिरुचि और बुनियादी जो हमारा बेसिक वैल्यूज है, और जो एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्विसेज यानी सिविल सर्विसेज का जो एटीट्यूड है। देखिए हमने कहा सामाजिक मूल्य, हमने कहा मनोवैज्ञानिक मूल्य, हमने कहा आपका व्यक्तिगत मूल्य। मूल्य क्या है? मूल्य ही एक ऐसा विधि है, एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे आपके बीच अंतर स्थापित करती है, जिसको आप कहते हैं पसंद ना पसंद। हर्बर्ट साइमन 1947 में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखा, एक किताब का नाम, और हर्बर्ट साइमन को 1978 में अर्थशास्त्र की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। हर्बर्ट साइमन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखा उसमें वैल्यू शब्द के साथ फैक्ट का उल्लेख किया, और उस वैल्यूज को बताया कि एक फैक्ट पे दो व्यक्ति के दो वैल्यूज हो सकते हैं। एक व्यक्ति को वो फैक्ट पसंद है, दूसरे व्यक्ति को वो फैक्ट ना पसंद। जिसको पसंद है वो अलग वैल्यूज हो गए, जिसको ना पसंद है वो अलग वैल्यूज। फैक्ट एक ही है, जो आपका मित्र है वह किसी और का मित्र नहीं भी है। जिससे आपका बड़ा लगाव है उसका किसी और से उसका उस तरह का व्यवहार नहीं है। ये डिफरेंसेस हमारी पर्सनालिटी को अलग करते। जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, और तुम दिन को कहो रात का। अगर आप किसी से बड़ा स्नेह करते हैं ना, बड़ा लगाव रखते हैं, तो यहाँ पे दूसरे के फैक्ट पर जो उसका वैल्यूज है आरोपी वैल्यूज ला देते। इसी अभ्यस्त को, हालांकि ये कितना जायज है, इसीलिए कहा जाता है कि जो हम करते हैं वो न्याय की कसौटी पर कितना सही, सत्य की कसौटी पर कितना सही। सत्य और न्याय की कसौटी पर जब हम कसने चलते हैं तो हमारी नैतिकता को क्या नियम के तहत, सत्य के मतलब सही और गलत, या विधि के अनुरूप, समाज के अनुरूप, धर्म के अनुरूप, नैतिकता किसके अनुरूप होनी चाहिए? नैतिकता का क्या धर्म है? आपने देखे अगर देश में कोरोना वायरस है और जमाती जो आज देखे होंगे 23 राज्यों में उनकी वजह से यह वायरस फैल गया, अगर नैतिकता की प्रबलता को धर्म पूजा और अर्चना ये तमाम इस नमाज और ऐसी तमाम चीजों से जोड़ दिया जाए, और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला खारिज हो जाए, तो क्या धर्म और नैतिकता का संबंध मानेंगे? क्या कोई ये कह सकता है कि नहीं, हम पूजा कर रहे हैं इसलिए हम 1,000-5,000 लोग इकट्ठा है, इस आधार पर क्या वो कार्य नैतिक रूप से सही मान लिया जाएगा? आप इस घटना को एक सवाल बनाकर केस स्टडी बना दिया। केस कोई घटना नहीं होती, केस स्टडी कोई घटना का चित्रण नहीं है, केस स्टडी एक फलक है, एक समाधान आपको जोड़ना पड़ेगा। कानून के साथ नैतिकता, धर्म के साथ नैतिकता, समाज के साथ नैतिकता, नियम के साथ नैतिकता। आप अगर जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ बात किया जाए, छोड़िए थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, नहीं तो ये कहीं और लिख चले जाएंगे।
तो जो मैं अभी आपको उदाहरण दिया रिलीजियस ग्राउंड, भले ही नवरात्रि में मंदिर खुले नहीं खुले, नहीं खुले, आप धर्म के आणविक नैतिकता, धर्म और नैतिकता में नैतिकता की जो पराकाष्ठा है वो किसी भी चीज से क्या टैली कर उसको सही ठहराया जा सकता है? यहां नैतिकता ये कहती है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग है तो नमाज पढ़ने से रोकना चाहिए या रुकना चाहिए। जो लोग लॉकडाउन तोड़ते हैं अगर उनपे डंडे बरसते हैं तो इथिकली कौन गलत है जो बाहर निकलते हैं, और इथिकली कौन सही है जो डंडे बरसा? तो समय और परिस्थिति के अनुपात में एथिक्स के जो परिभाषित पक्ष हैं, जो धारणात्मक पक्ष, वो बदलेंगे, चौकन्ना रहेंगे। व्यक्ति के अनुपात में, व्यक्ति के अनुपात में मूल्य बदल जाते हैं, लेकिन हर आदमी को अच्छा होना चाहिए इसको बदल के दिखाइए। आदमी अच्छा कैसे बने? आप अच्छा बनने का सामान, मेरा अच्छा बनने का सामान, उनका अच्छा बनने का सामान डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि मेरे अंदर जो अच्छाई नहीं है वो मेरे पास है, जो आपके अंदर ना हो वो आपके अंदर। इसी तरीके का अगर टोटलिटी में सारी चीज चली जाती, जैसे आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं तो आपके लिए ये पेपर सहज है। आपका मनोभाव, जिस एटीट्यूड की तलाश हो रही है, जिस चिंतन, जिस ढांचे, जिस विस्तार, जिस संबंध की बात हो रही है मनोभाव में, अगर वो आपके अंदर है तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए, आपके अंदर ठीक। और जिस मूल्य की बात हो रही है, जिस निष्पक्षता की बात हो रही है, जिस तरीके से पक्षपाती रवैया ना हो उसकी बात हो रही है, वस्तुनिष्ठता की, ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, तो आप सिविल सेवक होने के लिए ज्यादा सुधार की जरूरत नहीं है। अगर आप आचरण, आप अगर आर्टिकल 51A को ठीक से जानते हैं और अपने फंडामेंटल राइट को भी सही उपयोग करना जानते हैं, तो आपको आचरण में बहुत संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नेंस के जितने एस्पेक्ट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैलिबर है, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी है, तर्क संगत विचारधारा है, नियमों का अनुपालन है, और जितनी भी क्रियाएं, अभिक्रियाएं, एप्लीकेशंस जरूरत पड़ती है एक बेहतरीन व्यक्ति के लिए अगर आपके अंदर है, तो ये प्रश्न पत्र बहुत कम मेहनत से आप हल कर सकते हैं। लेकिन ये पता कैसे करेंगे? जैसे अगर मैं कहूं कि राजा राम मोहन राय आपको पढ़ना चाहिए, दयानंद सरस्वती पढ़ना चाहिए, विवेकानंद पढ़ना चाहिए, गांधी, नेहरू, टैगोर, अम्बेडकर, और भी पीछे चले जाइए, चाहे कबीर हो, तुलसी हो, गौतम बुद्ध हो, बौद्ध धर्म के हो, जैन धर्म के हो, सहिष्णुता की बात करने वाले तमाम चिंतक हो, शासन प्रशासन से जुड़े वो चिंतक जिन्होंने समाज और शासन को और मानव को सुदृढ़ करने के लिए अपना बहुत योगदान दिया, उन चिंतकों को, पश्चिमी चिंतकों को, भारतीय चिंतकों को, और उन चिंतकों के माध्यम से अपने जो व्यक्तित्व है, जो आपकी अभिवृत्ति है, जो मनोभाव है, जो दृष्टिकोण है, जो आचरण है, जो ईमानदारी है, जो अभिरुचि का विषय है, जो मानव के साथ आपका कोरिलेशन है, उन सभी को सुदृढ़ करना है। वो ताकत देंगे, ये संसाधन का काम करेंगे, तो संभव है ये पेपर आपके हिस्से में काफी काम करने जा रहा है। जो आपकी आदत है वही नैतिकता है, यह जरूरी नहीं, यह जरूरी नहीं।
आप नीति रीति आदत अगर नैतिकता है तो नैतिकता तो झूठ बोलने की, तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति कहेगा नैतिक हम भी मजबूत नहीं, उसको सत्य बोलना है और सत्य बोलने के लिए कहां से प्रेरणा डालेगा, हो सकता है विवेकानंद से मिल जाए, तो विवेकानंद पढ़िए। मनोभाव का, अपने एटीट्यूड का, देखिए प्रशासक एटीट्यूड का बड़ा खेल है, हर व्यक्ति चाहे शासक हो, प्रशासक हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या सभी जज हो, पहले अच्छा व्यक्ति फिर वो अच्छे पद जब पहुंचता है तो अच्छे तरीके से पद पे काम करता है। तो जो एलोबरेट कल्चर मेरे सामने एक सिलेबस है, मैं फटाफट थोड़ा सा सिलेबस के कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं, मेरे पास ये 28 सिलेबस पड़ा है, मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं और फटाफट एक एलोबरेट एस्पेक्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन जैसे केस स्टडी लास्ट में है कि जब आप किसी केस स्टडी को पढ़ते हैं तो उसमें आप स्वयं अगर बच्चा ईमानदार नहीं होगे, आपका एटीट्यूड सही नहीं होगा और आपकी नैतिकता का लोप होगा, तो जरा बताओ कि किसी भी केस का क्या हल करोगे यार, क्यों? तो केस स्टडी में आप एक किरदार की भूमिका निभाते हैं, आप जैसे हैं वैसा और आप जिसका सहारा ले सकते हैं वैसा एक थिंकिंग लाना होगा। जैसे कहा जाए आदमी अच्छा कैसे बन सकता है, आपने प्लेटो का रिपब्लिक पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, तो उस पर बार्कर ने क्या लिखा रिपब्लिक में, प्लेटो की रिपब्लिक पर टिप्पणी करते हुए बार्कर ने कहा कि प्लेटो कहना चाहता है कि आदमी कैसे अच्छा बनता है। तो प्लेटो ने जवाब में क्या कहा जानते हैं, आदमी न्याय और सौंदर्य आदि गुणों के ज्ञान करके ही अच्छा बन सकता है। समझ गए नहीं? कैसे? आदमी न्याय सौंदर्य आदि गुणों का ज्ञान करके ही अच्छा बन सकता है। न्याय की बात, आप में अगर एक अच्छा व्यक्तित्व है तो सत्य और असत्य का जो संदर्भ है, गलत सही का जो संदर्भ है, न्याय अन्याय का जो संदर्भ है, झूठ फरेब जो करते हैं उनके बीच का जो अंतर है, मूल्यों के सही अनुपालन का, अभिवृत्तियों का सही समझ का, कई अभिक्रियाओं की समझ, मानवीय दृष्टिकोण का परिप्रेक्ष्य, सौहार्द का दृष्टिकोण, सहिष्णुता का दृष्टिकोण, इन सभी का आदि तमाम बातों का समावेशन होगा तो जो यूपीएससी चाहता है उसका व्यक्तित्व आप होंगे। क्योंकि यूपीएससी क्या चाहता है, इसके पहले तो था नहीं, हम लोग के जमाने पहले 1995-96 में सिविल सर्विसेज देते थे तो उस टाइम तो ये विषय ही नहीं था। आप से कई चीजें ऐसी पूछी जा रही हैं जो आपके अंदर है, किताब का सहारा नहीं लेना, लेकिन जो है वो तो आपकी प्रॉपर्टी है ही, लेकिन जो आपके पास नहीं है और कमीशन उसको पूछने के लिए तैयार है तो कहां से जुटाएंगे संसाधन? उसके लिए कुछ संसाधनों का, साहित्य का, लेक्चर का, कुछ अन्य चीजों की ऐसी जो परिष्कृत हैं उनको सजोएंगे तो आप सशक्त बनेंगे और इस सशक्तता का प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन होगा आपसे जैसे पूछा जाए कि मूल्यों से व्यक्तियों की अवधारणाएं तय होती हैं, व्यक्तियों के कंसेप्ट तय होते हैं वैल्यूज से। एक ईमानदार व्यक्ति का मूल्य एक बेईमान व्यक्ति के मूल्य से किस प्रकार भिन्न होता है? केस स्टडी में जब सवाल डाला जाता है तो मूल्य की पहचान नहीं है, अभिवृत्ति की पहचान नहीं, अभिक्रिया की पहचान नहीं है, मनोभाव की पहचान नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट की पहचान नहीं है, इसीलिए इसमें साफ साफ एक जगह लिखा है कि जो वीकर क्लास है, जो कमजोर वर्ग, उनके प्रति दया। कल आप प्रशासक बन जाइए, कमजोरों को जेल में डाल दीजिए और डंडे मारिए, आपसे तलाशा जा रहा है कि क्या वाकई में आप कमजोरों के प्रति, जो लोग टॉलरेंस जैसे कहते हैं इनटॉलरेंस एंड टॉलरेंस, सहिष्णु भी है कि नहीं, दयावान है कि नहीं है, उनके प्रति आपका नजरिया किस तरीके से है। फेडरिक्स चाइना का रहने वाला था,
उसने उसका पिता चाइनीज था और उसकी माँ अमेरिकन थी, और आजकल चाइना अमेरिकन को झगड़ा चल रहा है। तो दोनों के बीच में चीन ने पाया कि रिक्स ने पाया कि चीन एग्रिया है, एग्रीकल्चर है, और अमेरिका इंडस्ट्री। उसको दोनों का बड़ा ज्ञान हुआ। अपने नाना के यहाँ जाता था, इंडस्ट्री देखता था, चीन में होता था अपने दादा के तो एग्रीकल्चर पढ़ता था। उसने कहा कि दुनिया में दो सोसाइटी, उसके जैसी चीज दिखेगी वैसे तो वैल्यूज बनेंगे ना, वैसे तो मन स्थिति बनेगी। दुनिया में दो चीज है, एक क्या है, एक कृषि है, कृषि समाज है, एक औद्योगिक समाज। जब उसकी आलोचना हुई कि केवल एक समाज कृषि और दूसरा समाज केवल औद्योगिक कैसे हो सकता है भाई, तो उसने सोचा यार ये तो कुछ ज्यादा लफड़ा हो गया। तो उसने एक ट्रांसिडिया पैदा कर दिया और विचार करके ट्रांसिडिया लगाया। ये 1956 वगैरह की बात मैं बता रहा हूं, तब देश आजाद हो चुका था और वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं गठित हो चुका था 1948, और देश 47 में आजाद। उस समय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की दर्जनों कंट्री 50 के दशक में आजादी की सांस ले रहे थे, लेकिन खाने और स्ट्रक्चर के लिए उनके पास कुछ जरिया नहीं। वर्ल्ड बैंक ने बहुत पैसा दिया है, वर्ल्ड बैंक ने जब पैसा दिया तो चूंकि ये उसी तरीके से विकास करने लगे, बात को समझिएगा, यहाँ एथिक्स, यहाँ पसंद नापसंद को समझिए थोड़ा सा, ये उसी तरीके का डेवलपमेंट करने लगे जिन देशों से ये गुलाम थे। जैसे भारत इंग्लैंड से गुलाम था और हमें पैसा मिले तो जैसे इंग्लैंड वाले करते थे वैसे ही हम करते थे। जब गाँव से आप शहर आए होंगे तो रोटी वैसे ही बना रहे होंगे जैसे घर में देखे हो, ठीक है ना, लेकिन गांव में जब चूल्हे में रोटी बनती है तो चूल्हा तवे पर रोटी सेकी जाती है, नीचे चूल्हे में डाल के रोटी को दोबारा उसको फूल जाती है, पक जाती, रखते हैं। लेकिन हम लोग देखे होंगे जब स्टोव स्टोव पे खाना बनाते थे तो तवे पे ही उसको पूरा पकाया जाता था। तो ये गाँव और नगर में ये डिफरेंस हो गया रोटी पकाने, वैल्यूज बदले कि नहीं। अब वही वैल्यूज लेके आएंगे तो रोटी कैसे पकेगी, फिर तो वो उसी पे स्टोव पे डालेंगे, वो उसमें मिट्टी का तेल का गंध आने लगेगा। गैस पे जनरली लोग थोड़ा कर लेते हैं, तवे पे पकाते हैं और चूल्हा ये तवा हटाकर उसमें गैस पे पकाते हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा मिलता जुलता, लेकिन हूबहू नहीं। तो हुआ ये कि जो इंग्लैंड के नकल हम करने लगे, इंग्लैंड की नकल करके अगर विकास करेंगे तो इंग्लैंड जैसा विकास करेंगे, क्यों भाई? अनुभव मूलक दृष्टिकोण क्या था? अनुभव मूलक दृष्टिकोण यही था कि हम औपनिवेशिक सत्ता में थे और हमने जो देखा वैसे विकास करेंगे। तो रिक्स ने क्या समझाया कि आप जो आप इंपीरिकल डेवलपमेंट करने निकले हैं, समझ रहे हैं ना, जो आप आदर्शात्मक विकास कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। आप अनुभव मूलक जो आप महसूस कर रहे हो क्या होना चाहिए, नहीं क्या हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, आचरण होना चाहिए, मनोभाव होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। क्या बोला प्लेटो ने रिपब्लिक में, क्या बोला प्लेटो ने बार्कर के जवाब में, न्याय होना चाहिए। न्याय और एथिक्स, धर्म और एथिक्स, समाज और एथिक्स, मानव और एथिक्स, नियम और एथिक्स, संविधान और एथिक्स, एथिक्स को हर जगह जाके खड़ा कर दीजिए। एथिक्स को हर डायमेंशन में काम करना पड़ता है। आप कभी सेक्रेटरी होंगे, कभी डीएम बनेंगे, कभी एसडीएम बनेंगे, कभी ये बनेंगे, कभी इस विभाग, कभी वो विभाग, कभी ये, हर जगह जाकर आपको अपना स्ट्रीम देना है, हर जगह आपको एक अच्छा व्यक्तित्व रहना। राम को देखिए, अभी रामायण चल रहा है टीवी में, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब उत्तर रामायण शुरू हो, जहां राम को हर जगह देखिए जिसमें संयम हो, साहस हो, धैर्य,
वो क्या है, किस बात का लक्षण, ये आपका आंतरिक लक्षण। आपके पास संयम है, साहस है, धैर्य है, ये आपका आंतरिक लक्षण। आपके पास अगर ये है तो समाज को प्रभावित कर सकते। रावण के पास ताकत थी, लेकिन रावण के पास अच्छी सोच, संयम, धैर्य, ये सब का अभाव था। राम के पास उससे बड़ी ताकत थी, लेकिन इन सब का प्रभाव था। आचरण, ताजा ताजा रामायण आपने देखा होगा कि राम जब जाते थे तो अपना धनुष बाण किसी ऋषि के द्वार पे रख देते थे और फिर जाकर के चरण वंदना करते थे। उस आचरण को देखिए, ये उनके मूल्य थे, ऋषियों के प्रति मूल्य, स्त्री के प्रति मूल्य। जब दशरथ ने कैकेयी को त्याग दिया, कैकेयी की वजह से वनवास हुआ, लेकिन राम के अंदर ये कोई भावना नहीं आई। भरत के मूल्य, लक्ष्मण के मूल्य, सीता के मूल्य, रावण के मूल्य। इसीलिए रामायण में कहा जाता सत्य का असत्य पर विजय, असत्य पर सत्य का विजय। और महाभारत में क्या कहा जाता है, अधर्म पर धर्म का। एक तरफ सत्य और असत्य की लड़ाई थी तो दूसरी तरफ धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। एक में मर्यादा स्थापित करना था, रामायण में मर्यादा स्थापित करना था, स्त्रियों के प्रति, भाइयों के प्रति, राजा के प्रति, राजत्व के प्रति, ऋषियों के प्रति, मुनियों के प्रति, सत्य के प्रति, फरेब के खिलाफ। इसलिए राम के भीतर जो ताकत थी उसका ही इंटरपर्सनल स्केल इंक्लूडिंग मास कम्युनिकेशन, जो आपके अंदर होगा वही बाहर होगा। तो अगर आपके अंदर ईमानदारी, ईमानदारी दिखेगी। आप देखिए कितने ब्यूरोक्रेट्स हमारे भ्रष्ट, अब उनके सामने जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो नैतिकता का प्रश्न होता है, वो खड़े होते हैं कि नहीं। तो भ्रष्ट लोग सिविल सर्विसेज में ना जाए, अच्छे इंसान कैसे मिले, बोले एक पेपर करते हैं, जो जिसमें नैतिकता होगी, ईमानदारी होगी, अभिरुचि होगा और इससे जुड़े सवाल होंगे, लोग लिखते हैं, देखते हैं क्या सोचते हैं, अगर बेहतर तरीके से किस तरह से समझ में आए कुछ विद्यार्थी को लेंगे। क्या समझे, उसी विद्यार्थी को लेंगे जिसमें इस तरीके के अवलोकन वाले पक्ष रहेंगे। शासन में ईमानदारी, शासन में ईमानदारी। रिक्स ने जब ट्रांसिटिया दिया तो ट्रांसिटिया क्या हुआ, जिसमें वो औद्योगिक भी है और कृषि भी है, एक औद्योगिक समाज, एक कृषि समाज, एक दोनों का समाज। और दोनों का समाज किसमें था, भारत। भारत में औद्योगिक था पूरी तरह, कृषि था, तो ऐसे देश को भारत जैसे देश तो थे। तो उसने सिखाया, उसने क्या सिखाया कि आप जिससे गुलाम थे वही मूल्य मत लीजिए, वो आपकी नैतिकता नहीं है, इथिकली वो सही नहीं है। एथिक्स ये कहता है कि आपका जो वातावरण है, आपके पास जो आमदनी है, आपके पास जो पूंजी है, आपके पास जो अन्य तरीके की समस्या, उनको ध्यान में रख करके निर्णय लीजिए और सब पर उसका प्रभाव दिखना चाहिए। न्याय तो यही कहता है, आज को कोरोना वायरस के कारण जो समस्याएं देश में व्याप्त हैं, भोजन तो सब तक पहुंचना चाहिए, न्याय तो यही कहता है। नहीं भाई, जो कमाएगा, जिसके पास आटा दाल चावल होगा वही खाएगा, बाकी नहीं खाएंगे। इस एथिक्स को जरा सोच के देखिए, इस नैतिकता को दायरे में से रख के देखिए। अगर लोकतंत्र की सरकार है तो जनता तो सबके लिए बराबर है, सरकार के लिए तो बराबर है ना, कोई और नहीं खिलाएगा तो सरकार को खिलाना चाहिए। तो शासन नैतिक रूप से मजबूत कैसे होगा, जब शासन सही होगा, आदमी सही होगा, तभी तो। आप अगर
आपने कभी देखे हो कि साइकिल चुराने वाला जब कार चुराने लगता है और कार चुराते हुए पकड़ा जाता है और उसकी पूरी रिकॉर्ड हिस्ट्री खुलती है, पता चल रहा है तो जब 15 साल 25-20 साल का था तो साइकिल चुराया करता था, 40 साल में कार चुराता है, अभ्यास तो चोरी की पड़ गई। अब उसके अंदर हम ये चोरी वाला तो चलेगा नहीं, गैर चोरी वाला चलेगा। तो क्या बोला था उन लोगों ने, आस्ते चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, क्या क्या पांच तत्व बता गए थे महावीर भी, पांचवा ब्रह्मचर्य जोड़ गए। तो नैतिकता की शब्द नहीं है बच्चा, ईमानदारी अभिरुचि ये सब ठीक है बना दिया एक तीन शब्द लेकर, लेकिन इस और जो सिलेबस लिखा है इतना ही सिलेबस नहीं, इसमें किसी भी चैनल का नाम नहीं है। भारत के और विदेश विचारक बस एक टॉपिक। अब आपको कौन सा विचार से चीजों को हल करना, जैसे मैंने रिपब्लिक का एक उदाहरण दिया आपको, रिपब्लिक का उदाहरण जब हमने दिया प्लेटो का, पार्कर का एग्जांपल दिया कि पार्कर की प्लेटो यही कहता है कि आदमी अच्छा कैसे बन सकता है, ये कहना है। और आदमी कैसे अच्छा बनेगा, आदमी बनेगा नैतिकता से, ईमानदारी से, अभिरुचि से। अभिरुचि मीन्स एटीट्यूड, एटीट्यूड में उसके क्या होना चाहिए, उसके एटीट्यूड में बेटा चिंतन होना चाहिए, उसके एटीट्यूड में सारी सकारात्मक बातें होनी चाहिए। कहते हैं एक बड़ा एटीट्यूड वाला है, उस एटीट्यूड वाले से अगर उसकी सकारात्मकता से ओत प्रोत है तो एटीट्यूड में रहने दो, एटीट्यूड तो चाहिए चाहिए। एक प्रशासक में एटीट्यूड है लोग हित को सुनिश्चित करने का, रहने दो तो होना ही चाहिए। वैल्यूज पसंद ना पसंद, एक ही फैक्ट पे जो पसंदगी ना पसंदगी, तो जितने भी तरीके के संदर्भ निहित बातें नैतिकता से जुड़ी हैं, अभी मैं इसके डिफिनेशन में नहीं जा रहा कहां से आया नैतिकता, एथिक्स वर्ड कहां से आया, इथिका से आया, इथोस से आया, इसके बीच में सारगर्भित विशेषताएं महत्व या इसका परिकल्पित जो स्वभाव है इस तरीके का है, यह मानव के साथ कैसे सहसंबंध करता है, कैसे निवास करता है, ये सामाजिक सुधारक हो, प्रशासक हो, चिंतक हो, मनीषी हो, ऋषि हो, मुनि हो, इस युग के हो, उस युग के हो, उनके साथ इसको कैसे कोलैबोरेट करेंगे, आपके अंदर का जो कंटेंट है, जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, जो थॉट है, जो एप्लीकेशन है और जो ट्रांसपेरेंसी है, यानी कुल मिलाकर जो आपका एटीट्यूड है उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। सिविल सर्विसेज के अंदर जो ईमानदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, पक्षपाती रवैया नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, कमजोरों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, इनकी चर्चा करेंगे। ये सब आपके सिलेबस के हिंद विषय है। भावनात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, जिसमें ये यूटिलिटी देखेंगे किसी भी शासन में उसकी क्या यूटिलिटी है। अगर आप भावनात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस हैं तो उसकी यूटिलिटी उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। अच्छा बताइए अगर आप इमोशनल नहीं हैं तो जैसे लॉकडाउन में मान लिया कोई घूम रहा है तो देखिए होंगे चार पुलिस वाले होते हैं ना, तो एक पुलिस वाला जोर से डंडा मार दिया, किसी ने बड़ा धीरे से मारा, किसी ने मारा या नहीं, ये अलग अलग उम्र है इस समय उसको क्या स्टेप ले। अब कभी कभी देखे होंगे कि मैं तो देखा फुटेज आता है छोटा, जैसे एक पुलिस वाले है मान लिया वो जोर से मार दिए तो दूसरा सोचता है छोड़ दो इसको मार दिए, तो इस तरीके। आप किसी देखे होंगे सार्वजनिक जगह पर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक व्यक्ति उसको उठाने लगेगा, हॉस्पिटल ले जाने लगेगा। ये इमोशनल इंटेलिजेंसी को किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं, किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब भी आपको समझना। तो आप एक बार फर्क किए घर में बैठ कर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा देखो भाई। जब राम चले गए वन में चित्रकूट पहुंच गए ना, तो भरत गए थे मिलने के लिए वापस करने के लिए, तो उस चित्र को टीवी पे देखिए तो भरत या राम में जो एक इमोशनल इंटेलिजेंसी थी वो किस तरीके का एप्लीकेशन था। एक राजा बनना नहीं चाहता है, एक वन भागना चाहता है, यानी एक वन नहीं एक
एक राजा बनना नहीं जा रहा है, एक वन से लौटना नहीं चाह, और इस इमोशनल इंटेलिजेंसी में क्या है, पिता बीच में है, भाई है, धर्म है, आचरण है, नैतिकता है, और कितनी ईमानदारी से पारदर्शिता की भावना के अंतर्गत समस्या को हल करने का प्रयास। तो यही तो है आपको, अब इतना आदर्शात्मक तो संभव नहीं है, क्योंकि वो तो मर्यादा और आदर्श की पूरी एक गाथा है, लेकिन व्यक्ति अच्छा बन जाए यही बड़ी बात है। व्यक्ति अच्छा कैसे बने, रामायण देख के अच्छा, तो महाभारत देख के, जहां सिंहासन के लिए भाइयों भाइयों में लड़ाई हुई, अर्जुन ने कृष्ण से 3 सवाल किए कि इस युद्ध में तो हमारे ही लोग मरेंगे, मरेंगे क्या, मिलने वाला है। कृष्ण ने उनको समझाया, कृष्ण उनको कर्तव्य समझा रहे थे और अर्जुन परिणाम को सोच रहे थे। अर्जुन परिणामवादी थे, कृष्ण कर्तव्यवादी थे। कृष्ण का इरादा यह था कि तुम कर्तव्य की पूर्ति करो, परिणाम की चिंता मत करो, इसीलिए तो गीता में लिखा है कर्म करो परिणाम को छोड़ो, फल की इच्छा मत रखो, परिणाम की इच्छा मत रखो, कर्म करो। अर्जुन परिणामवादी थे, ये तो सब हमारे रिश्तेदार हैं, इनको मार के क्या मिलने वाला है। लेकिन अर्जुन तो उनका कर्तव्य बता रहे थे ना, कर्तव्य ये था कि मारना पड़ेगा भैया। तो कर्तव्य जो है, जो ड्यूटी है, अभी हम आर्टिकल 15(1)A में बता रहे हैं आपका कर्तव्य, जो भारत का नागरिक कर्तव्य, अगर कर्तव्य का अनुपालन नहीं होगा तो नैतिक रूप से आप सही नहीं माने जाएंगे, नैतिकता में गिरावट मानी जाएगी। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट सिविल सर्विसेज में लागू होता है, वो नैतिकता को बचाने के लिए नैतिक रूप से आप सॉलिड रहें, रिश्वत नहीं ले सकते, 2 विवाह नहीं कर सकते, सार्वजनिक जगह पे शराब वराब नहीं पी सकते, आप कलेक्टर हैं चौराहे पे शराब पिएंगे क्या, 2 विवाह नहीं कर सकते, 1 विवाह अगर रिजॉल्व हो गया तब दूसरा करिए, बट 2 विवाह साथ नहीं कर सकते। ये सब मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, सब लिखा है, इतना रुपए का ही आप उपहार ले सकते, इतने रुपए उपहार नहीं ले सकते, लेते हैं इमीडिएट अफसर को सूचित करिए, विदेशी दे रहा है कितने का, इंडियन दे रहा है कितने का। अब ये सब सावधानशुदा पालन करेंगे तब आपका आचरण दुरुस्त, किसके लिए, आचरण को दुरुस्त रखने के लिए, आचार शास्त्र, आचरण शास्त्र, आचरण शास्त्र भी है। उसके बाद भारत और विश्व के जो मैंने बताया कि चिंतकों को जब इसमें हम डाल देंगे तब क्या होगा, जब भारत और विश्व के चिंतकों को इसमें उड़ेलेंगे तो आपका बेटा आचरण, ईमानदारी का भाव, आपके अंदर की अभिरुचि और आपके अंदर की नैतिकता परवान चढ़ेगी। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात पढ़ेंगे तो चिंतन में बढ़ावा नहीं होगा क्या, हाँ बढ़ेगा ना। गांधी जी को पढ़ेंगे तो चिंतन में बढ़ावा नहीं होगा, चिंतन का पूरा सागर मिलेगा, और जब चिंतन के सागर में गुलांछे मारेंगे, तैरेंगे, तो सवालों को पकड़ पकड़ के कमीशन के हिसाब का जवाब दे देंगे, और जैसे ही कमीशन के हिसाब का जवाब मिला, आपका व्यक्ति और व्यक्तित्व बेहतर, चलो भैया सिलेक्शन। और उसके बाद लोक प्रशासन की सारी बातें आएंगी, अभी हम गवर्नेंस पढ़ा रहे हैं, गवर्नेंस को पढ़ते रहिए, एथिक्स में पूरा काम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तक है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी सेवा देने वाली जो अवधारणाएं हैं वो सब इसमें निहित, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर वगैरह, अभी हम गवर्नेंस में सब पढ़ाएंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते ही रहते हैं, सेवा वितरण में गुणवत्ता की बात कही जाती है, अगर देखिए कल आप नौकरी करेंगे सेवा वितरण में क्वालिटी की बात कही जाएगी कि नहीं। आज कहा जाता है ना इम्यूनिटी स्ट्रांग, इम्यूनिटी कहाँ से स्ट्रांग होगी, क्वालिटी में भोजन हो, जरूरी भोजन हो, तो ये प्रशासन और शासन की चिंता होनी चाहिए कि हमारा देश का, जैसे माता पिता सोचते हैं बच्चा हमारा मजबूत बने और कमाते हैं उसके लिए, खिलाते पिलाते उसको मजबूत बनाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, समाज का ताकि सामना कर सके और देश दुनिया में अपना नाम करे और लोगों के काम आए,
यही तो सब एथिक्स है। माता पिता का अपना एथिक्स है, माता पिता का अपना ईमानदार आचरण है, माता पिता का अपनी अभिरुचि है, आपकी अपनी है, आपके भाई बंधुओं की अपनी है। व्यक्तियों से घिरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति कैसे बने, यही आपको जिस व्यक्ति के समाज में हम रहते हैं उसी व्यक्ति के भीतर एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण कैसे संभव हो, ये चौथे प्रश्न पत्र को एक समाधान दे। देखिएगा चौथा प्रश्न पत्र व्यक्ति प्रेरित है, इसीलिए हम लोग कहते हैं व्यक्ति किसका हिस्सा, व्यक्ति तो समाज का हिस्सा है, समाज से देश दुनिया है। अगर व्यक्ति में ही सकारात्मकता है, व्यक्ति में ही ईमानदारी है, व्यक्ति में ही मनोभाव है, व्यक्ति में ही इमोशंस हैं, और व्यक्ति के अंदर ही एक अच्छा करैक्टर है, तब तो हम समाज, प्रशासन, देश, दुनिया हर को अपने ढंग से एक अच्छे व्यक्ति के साथ डाल ही देंगे। इसलिए पहली शर्त है अच्छा अच्छा व्यक्ति कैसे बने। अगर अच्छा व्यक्ति कैसे बने इस आचरण को, इस परिप्रेक्ष्य को आप सीख लें, तो 100% ये सच है कि आप इस प्रश्न पत्र को बहुत बेहतरी के साथ अंक प्रदायित कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा मित्र पक्ष में आ रहा, दूसरा पक्ष ये है कि हम लोग जब इस पेपर को पढ़ते हैं तो सोचते हैं रट लेंगे इस चिंतक को, उस चिंतक को फलाना। एक चीज मुझे आप बताएंगे, गांधी जी अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा बनाने, देखिए वो आदर्श, आदर्श प्राप्त करना मुश्किल होता है लेकिन आसपास तो पहुंच सकते हैं ना, क्यों भाई? बहुत अच्छी जो बातें हैं, माना बहुत सारे एग्जाम्पल है सोसाइटी में, ईमानदारी के हैं, सत्यनिष्ठा के हैं, भ्रष्टाचार के भी हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी हैं। भाई जैसे जब लोकपाल को लेकर के दिल्ली में आंदोलन हुआ था बिरला मैदान में, तो आपने अन्ना हजारे जी को देखा होगा, दूसरे गांधी लोग कहते थे ना, वो ठीक ही बात है, अभी भी है दूसरे गांधी। और मैं कभी कभी ये बात कहता हूं कि जब देश आजाद हुआ 1951 की जनगणना में हम लोग 36 करोड़ थे, तब पाकिस्तान निकल चुका था, बांग्लादेश भी ऑलमोस्ट हमारे यहाँ तो था नहीं, उसके हिस्सा था पाकिस्तान का स्वतंत्र, तो 36 करोड़ से थोड़ा हम लोग ज्यादा जनसंख्या थी, क्योंकि पूरा भारत 47 तक ज्यादा पाकिस्तान बांग्लादेश में, और एक गांधी जी थे। कभी कभी हम कहते हैं आज 136 करोड़ में गांधी कहां है, कहां चिंतकों की वो सूची, गांधी सब में पट गए, कोई थोड़ा गांधी है, कोई कम गांधी है, कोई बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर प्रश्न पत्र में थोड़ा ज्यादा गांधी की जरूरत है तो कम गांधी है बन जाइए थोड़ा ज्यादा, और राजा राम मोहन राय चाहिए, दयानंद सरस्वती चाहिए, विवेकानंद चाहिए, गांधी चाहिए। मान लो भारतीय दृष्टि से बोल रहे, तुलसीदास जैसे विचारधारा है, गौतम बुद्ध, महावीर, आने आने वाले जितने भी साहित्य से जुड़े हो, धर्म से जुड़े हो, कर्तव्य से जुड़े हो, जो पथगामी रहे हो, जिनके आचरण, जिनके व्यवहार से एक ऐसे दर्शन का प्रस्फुटन हुआ जिसमें अच्छे व्यक्ति बनने के कौशल निहित है, उनको रास्ते में आपने आजमा करके अपने अंदर एक पुख्ता कर लिया, तो सिविल सर्विसेज में उस बात को कहने में अपना पन लाकर उस प्रश्न का उत्तर भर दीजिए। जब तक साहित्य के आवरण में स्वयं को निहित नहीं करेंगे, अंतर संबंधित नहीं करेंगे, विचार कहां से लाएं? जो विचार आपके हैं अगर वो पूरे नहीं पढ़ते हैं तो विचार कहीं से लाइए ना भाई। जैसे सब्जी आपके घर में खेत खलियान उतनी नहीं होती है, जरूरत है मिर्च मसाला तो बाजार से ला लीजिए। तो जो विचार आपके पास हैं अगर वो सिविल सर्विसेज उतने पुख्ता नहीं है, तो इन विचारकों को, चाहे वो पश्चिम की विचारधारा हो, चाहे पूर्व की विचारधारा, चाहे उत्तर की विचारधारा हो, चाहे दक्षिण की विचारधारा, चाहे यूनान से पुरातन सनातन यूनान के हो, चाहे तत्कालीन समाज के हो, उन सभी को अंगीकृत करके अपने उत्तर को एक रूप दे सकते हैं। इसलिए कहा जाता है प्रशासन एक गतिशील विषय, प्रशासन एक डायनेमिक सब्जेक्ट,
बदलता रहता है समय के साथ, विचार में भी एक डायनेमिक एस्पेक्ट होते हैं। प्राचीन काल का भारत, मध्य काल का भारत, आधुनिक भारत और आज का भारत, आप देखेंगे विचारों में निरंतर उत्तरोत्तर लगातार परिवर्तन की पूरी कड़ीबद्ध प्रक्रिया में विचार कहां से चले होंगे, कहां से कहां चले गए, लेकिन अगर उस पर कोई सत्य की कसौटी पर, नैतिकता की कसौटी पर, ईमानदारी की कसौटी पर, अभिरुचि की कसौटी पर, सौहार्द की कसौटी पर, निष्पक्षता की कसौटी पर और सहिष्णुता के साथ साथ कमजोर लोगों के प्रति सहानुभूति, उनके प्रति दया की भावना के आदि सहित तमाम आचरण के नियमों की कसौटी पर अगर आप खरे उतरते हैं तो आप समय के साथ बिगड़े नहीं, और अगर आप खरे नहीं उतरते हैं तो आप कहीं ना कहीं यह व्यक्तित्व आपके पास जो है आपके अभ्यास रीत नीति के कारण हो सकता है कि आपका जीवन ठीक चल रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि जब आपको प्रशासनिक पदों पर यही व्यक्तित्व डाला जाएगा तो वहां जो सार्वजनिक जीवन जीना होता है उस कसौटी को हो सकता है खरे न उतरे। इसलिए एक व्यक्तिगत कसौटी होती है जिसमें आपके पास साहस है, धैर्य है या ईमानदारी है, आपके पास एक सहानुभूति की भावना है, ये सभी चीजें व्यक्तिगत है। लेकिन जब आप प्रशासनिक पद पे जाते हैं तब इस जब आप अपना कर्तव्य का पालन करते हैं प्रशासनिक या सार्वजनिक जीवन में, तब उससे पड़ने वाले प्रभाव से आपके व्यक्तित्व को आंका जाता है। इसलिए इंटरपर्सनल स्किल खता तो तब हो जब हाले दिल बन क्या खता तो तब हो जब हाले दिल बयान करें। मेरे मन में अगर कोई गलत बात है मैं ना बोलूं तो समाज पर कोई प्रभाव नहीं, मेरे मन में बहुत अच्छी बात है मैं ना करूं, फंक्शन ना करूं, एप्लीकेशन ना आए उसका सामने, अभिक्रियाएं ना करें, अपने मनोभाव का विकृत ना करें, तब भी समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे मन में दुर्भावना है और उस दुर्भावना को हम प्रकटीकरण करेंगे तो आप मेरे मैं क्या हूं इसका भी आपको अंदाजा मिलेगा। और मेरे अंदर अगर एक बहुत अच्छी भावना है उसका प्रकटीकरण करूंगा तब भी पता चल जाएगा कि आचरण से, नैतिकता से किस तरह का व्यक्ति है। इसलिए भाई ऐसा होता है ना, जो आप करते हैं ना उससे पता चलता है कि आप हैं। तो जब आप अच्छा नहीं करेंगे तो लोग कहें खराब आदमी है, तो अच्छे आदमी कैसे बने? तो अच्छे आदमी बनेंगे जैसे हम लोग ये पढ़ पढ़ा रहे हैं, जो अच्छी बातें आपको बताई जाए, कुछ विचारकों को पढ़िए, अपने मनोभाव को टटोलिए, ईमानदारी क्या होती है, मूल्य के क्या प्रारूप होते हैं, नैतिकता कैसे होती है। आप एक अच्छे आप अद्वितीय तो हैं, लेकिन आप दर्जे के काम क्यों नहीं करते? आपके अंदर आलस्य है, आपके अंदर गलत सोच है, आपको जीवन निरीह लगता है, आपके अंदर का साहस भरा हुआ है, आपके अंदर के भाव उमड़ते नहीं हैं, तो ये प्रेरक और अभिप्रेरक यानी कि मोरल जो ड्यूटी है, अगर उससे आप बाहर जा रहे हैं तो हम आपकी मोरलिटी को कहां से जुटाएं? यही सब चीजें लाना है। इसलिए मोरलिटी की बात, एथिक्स की बात, इथिक की बात, रीति की बात, नीति की बात, अभ्यास की बात, जड़ता की बात, ऐच्छिक की बात, अनैच्छिक की बात, ये तमाम बातों को एक प्रकार से जब लाएंगे तो इसमें लोक प्रशासन भी है, कुछ राजनीति विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है, दर्शन शास्त्र भी है, उनके विचारक हैं ही कम से कम, तब इस अवधारणा का एक पुख्ता स्वरूप जो है निर्धारित होगा। और इस निर्धारित इस पुख्ता स्वरूप के निर्धारण में आप पाएंगे कि जितना भी समावेशी अवधारणा है, उनका मूल है, मूल्य है, अर्थ है, धर्म है, काम है, संदर्भ है, आपका दृष्टिकोण है, आपका अप्रोच है, आपके अंदर के अंतर निहित भाव है, उन सभी का सम्मिश्रण यह प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र में बच्चा हम लोग ऐसे नहीं खोदते जैसे फैला के नहीं खोदेंगे एक बीघा में, इसके अंदर ड्रिल करते जाएंगे। पर्सनालिटी आप रहेंगे इसी साइज के, इसी चेहरे मोहरे के, इसके अंदर चीजें डाल दी जाएंगी
और प्रश्न आएगा और आप उसको बेहतर तरीके से लिखने का अभ्यास करना है। जब जानेंगे तभी, और जानने से पहले लिखेंगे नहीं, और जानने से पहले लिखेंगे तो तुलनात्मक एक अध्ययन आपके पास नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो जानते हैं, हो सकता है कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे तो वो कुछ अच्छा लिख देंगे, लेकिन अच्छा कैसे बने यह चुनौती आज हमारे सामने भी है, आपके सामने भी है। यूं कहा जाए कि समाज में हर व्यक्ति जहाँ है वहां से और अच्छा कैसे बने, इसकी चुनौती सबके सामने है। अंत में केस स्टडी के सवाल रहते हैं, आपने देखे होंगे ये सबसे जुड़े सवाल पूछते हैं, केस स्टडी के भी एक तिहाई समझ में केस स्टडी रहती है, और एक तिहाई जो सवाल केस स्टडी से रहते कभी ज्यादा हो जाता है, तो उसमें किसी एक प्रकार से केस का, मैं यहाँ घटना वर्ड नहीं बोल, घटना और केस में अंतर, घटनाओं का एक संदर्भ दे दिया और लास्ट में एक निष्कर्ष दिया, यहाँ पर घटना के किरदार, यहाँ पे केस में किरदार आप होते हैं, आप अफसर हैं, आपके सामने कोई केस है उसको समाधान दे, आप उसमें कितना नैतिकता चाहिए, कितनी समग्रता चाहिए, कितनी ईमानदारी चाहिए, वो सबका अनुपात उस केस के हिसाब से दिखेगा, और ये सब जब पढ़े रहेंगे तो वहां पे फिट करना आसान रहेगा। तो अगले लेक्चर में हम जो है जब आएंगे, आज मैं एक इंट्रोडक्टरी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, और इसको ना मैं यूनान से क्या आया और फ्रांस से क्या आया ना इसकी चर्चा किया है, ना हमने एथिक्स की आपको कोई बहुत पूर्ण परिभाषा बताई है, ना हम मोरालिटी की बहुत अच्छी कोई उदाहरणात्मक बातें लीपापोती करने का प्रयास किया है, हमने सिर्फ आपके अंदर बहुत सारी चीज छुपी है उसके रहस्य को खोलने का प्रयास किया है, या बताने का प्रयास किया है कि एथिक्स जो है कोई विषय नहीं है, यह बल्कि आपका व्यक्तित्व है। मैं एक बात बेटा याद आ गया मुझे, आजकल जैसे कभी कभी हम 10-15 साल पहले की बात है, मैं कहा करता था, मैं चूंकि देखे होंगे हिंदी मीडियम पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी मीडियम में मतलब मैं इतना फ्लुएंस तरीके से वर्ड वर्ड तो ठीक है, बट इंग्लिश मीडियम का मैं टीचर नहीं, और लेकिन इंग्लिश मीडियम अगर पढ़ाते हैं तो जैसे आजकल देखे होंगे इंग्लिश कल्चर चलता है, इंग्लिश वाले भी हिंदी बोलते हैं, बट हम ईमानदारी से बता रहे हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हमारे क्लास में होते हैं, इंग्लिश में लिखाया उखाया जा सकता है, बट समझाने का ऐसा ही कुछ तरीका है, और ऐसे जनरली दिल्ली उल्ली कहीं भी जाइए सब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपका मैं सपाट बात जो मुझे आधार में बोलना चाह रहा हूँ होता ये हो ये रहा कि मैंने एक बार ऐसे कहा, एक कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल सेंटर अकेडमी में, मैंने वहां पे कहा कि अगर मुझे कक्षा छह से मैं अंग्रेजी शुरू किया, क्योंकि प्राइमरी स्कूल होता नहीं, कक्षा छह में ही ये बता दिया गया होता, नहीं चलो बताए कक्षा 9-10 में बता देते, चलो वहां भी नहीं बताया कक्षा 11 में तो बता देते कि इंग्लिश हिंदी भाषा सब्जेक्ट नहीं है, हमने सोचा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है और हिंदी इंग्लिश भाषा है, अगर ये डिवीजन करके बताते, चलो सब्जेक्ट हैं बट बता इस तरीके से कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, बोली जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है, लेकिन हमको बताया गया है 12वीं 11वीं में कि 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो जैसे हम मैथमेटिक्स में नंबर लाने के लिए पढ़ रहे थे वैसे ही हम अंग्रेजी में नंबर लाने, वैसे ही हिंदी में लाने के लिए नंबर पढ़, लेकिन चूंकि हिंदी गांव और शहर देश हर आदमी बोलता था इसलिए वो तो ठीक हो गया, लेकिन अंग्रेजी तो मिलता नहीं था वातावरण, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह अंग्रेजी भी नंबर लाने के लिए ही पढ़ा, और वही दुख है कि जो नंबर लाने के लिए नहीं, जो बोलना आता जिसमें बोलना होना चाहिए वो किसी को पता ही नहीं, एक लोमड़ी थी जंगल भटक के ट्रांसलेशन करवा दिए बस। तो मैं यहाँ फिर आपको याद दिला दू कि 4 प्रश्न पत्र सिविल सर्विसेज में हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सिविल सर्विसेज में 3 विषय के प्रश्न पत्र हैं, मैं वो गलती नहीं करूंगा जो पहले के लोग कर चुके हैं, 3 प्रश्न पत्र फर्स्ट सेकेंड थर्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर
इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सेकंड पेपर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, आप साइंस एंड टेक वगैरह, थर्ड पेपर, यही पेपर है जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फोर्थ पेपर को मैं आपको बता रहा हूं, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका व्यक्तित्व जो अपने जीवन में रोज इस्तेमाल करते हैं इसको। तो आज से आप जान लीजिएगा कि जो हिस्ट्री के लिए, जो फिजिक्स, जो आप साइंस के लिए, जो इकोनॉमी के लिए, जो ज्योग्राफी के लिए नंबर पाने के लिए किताबों में पढ़ते हैं, उस तरीके का एथिक्स का ये चौथा प्रश्न पत्र नहीं है। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि वो गलती मत करना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मैंने नंबर लाने के लिए पढ़ाई किया, वैसे हिंदी इंग्लिश में नंबर लाने के लिए पढ़ाई किया, जबकि हिंदी और इंग्लिश बोली जाती वो भाषा की किसी ने समझाया ही नहीं कि भैया ये तो बोली जाती है, इसको इस ढंग से पढ़ो, इसको इस। मैं आपको बता रहा हूँ कि एथिक्स पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी कमी को, ईमानदारी की कमी को, सत्यनिष्ठा की कमी को, आपके आचरण की कमी को, आपके मनोभाव, सहिष्णुता और आपके गरीबों के प्रति दया भाव, तमाम चीजों का संग्रह जहां पे कम हो, उसका किसी भी चिंतक, किसी भी सिद्धांत, किसी भी फार्मूला, किसी भी व्यवहार से आपको अंगीकृत करके इसको पुख्ता करना है। और वहां एक केस मिलेगा, एक घटना मिलेगी, जैसे जैसे केस होते हैं उसको हल करना है, उसका कोई फार्मूला नहीं है। आपका अपना व्यवहार और जाने हुए सैद्धांतिक पक्षों को साथ लेके हल करना है। इसलिए इसके टर्म्स को समझिए, इसके रिलेशन को समझिए, कोरिलेशन को समझिए, इसकी पूरे कंटेंट और इसके स्ट्रक्चर को समझिए, इसके एप्लीकेशन को समझिए। आप पाएंगे कि आधा एथिक्स आज है, आधा इन लेक्चर और पढ़ने से पूरा हो जाएगा। यह सब्जेक्ट नहीं, यह पर्सनालिटी है, यह विषय नहीं, यह व्यक्तित्व। आज मैं बात को यही समाप्त कर रहा हूं। आगे जब भी हम इसको बोले थे कि हम शीघ्र ही इसको आपके सामने लाएंगे, मैं ला चुका हूँ, और आगे कल तो गवर्नेंस और इंडियन पॉलिटी के अपने ढंग से क्लासेस चलेंगी, संडे को छुट्टी रखेंगे, लेकिन संडे को मुझे लगा कि आपको एक आइडियोलॉजी आपके अंदर, एक ऑब्जेक्टिविटी या यू कह एक सब्जेक्ट को लेकर ओरिएंटेशन डेवलप कर दूं, ताकि आप इसके प्रति बहुत ज्यादा परेशान ना हो। आप परेशान हो उन कमियों को दूर करने के लिए, जो कि प्रश्न पत्र को ठीक से समाधान दे सके। ओके।